आज न्यू ईयर है और हम बहुत खुश हैं। क्यों खुश हो? बस न्यू ईयर है इस वजह से? नहीं नहीं, अब जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है तो अब आगे बहुत कुछ नया करना है। हाँ, और जिंदगी अब 2024 मेरा बेस्ट जाने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो फिर पुराना साल आपका कैसा गया? 2023 बहुत घटिया। लाइफ जो है ना हमारी बस कुछ पल की है, तो यार जो थोड़ी बहुत लाइफ है उसको एंजॉय तो करो, क्योंकि फिर दोबारा तो वो पल वापस नहीं आएगा। अब 2023 तो चला गया, अब वो वापस तो आएगा नहीं ना। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। लगातार आप देख रहे हैं पूरे देश में नया साल बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर भी लगातार लोग नए साल को लेकर उत्साहित हैं और जोश के साथ मना रहे, भले ठंडी चाहे कितनी भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में सीपी पर सजावट भी हुई है। क्या बोलेंगे आज न्यू ईयर है? हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। इतनी ठंडी में आप लोग न्यू ईयर मना रहे, ठंड नहीं लग रही? लग रही है, फिर भी मना रहे हैं। अच्छा, न्यू ईयर में आपने कुछ खास, आज पहला साल का पहला दिन है तो कुछ खास आगे के लिए सोचा, भविष्य के लिए कुछ खुद से प्रॉमिस किया है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, क्योंकि बस घूमने में बिजी हैं। अच्छा, क्या घूमने में पूरी जिंदगी निकाल देंगे क्या? हाँ, विश तो है कि ट्रैवल करें बस। क्या बोलेंगे, आज नया साल है और इतनी ठंड है लेकिन भीड़ देखने को मिल रही है दिल्ली में? भीड़ हाँ पहले से ज्यादा है, पर ठीक है, अभी देखने में सही लग रहा है। और इतना ऑडियंस होता भी, मतलब आदमी नहीं होते तो इतना यहाँ पे और ज्यादा ठंड होती। तो क्या लग रहा है कि नए साल में कुछ अलग लोग करने वाले हैं या फिर उसी तरह बस आज का रहता है उत्साह? नहीं, करेंगे, जैसे जैसे साल बीता जाएगा वैसे वैसे कुछ नया दिखने को मिलता रहेगा धीरे धीरे। अपनी लाइफ में क्या नया करने का सोच? नया क्या, जो जैसा मेरा खराब गया वो सुधारेंगे धीरे धीरे। यानी कि 2023 आपका भी खराब गया? तो आने वाले 2024 में क्या लग रहा है, उम्मीदें हैं कि अच्छा ही जाएगा? खुद से आपने वादा किया? उम्मीद पे दुनिया कायम है, पहला तो हाँ उम्मीद है, करेंगे, खुद में आप इंप्रूव करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। तो फिर पुराना साल आपका कैसा गया? 2023 बहुत घटिया। आने वाले साल में उम्मीद है कि अच्छा जाएगा? बहुत अच्छा। खुद से उम्मीद है या फिर भगवान है? खुद से उम्मीद है और भगवान से भी, जब खुद से करेंगे तो भगवान से भी है। अच्छा, अभी आप बोल नहीं रहे थे, अभी इनका साथ मिला तो बोलने लगी। कैसा गया है ये बता रही हूँ, बहुत घटिया। पहले वाला साल बहुत घटिया गया है, अभी 2024 आने वाला अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। हम तो यही सोच रहे हैं बेटर से बेटर हो और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करें, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक भगवान भी साथ नहीं देंगे। महिलाएं कैसे नया साल मना रही है? देख लीजिए, ऐसी मना रहे हैं, नहीं लग रही आप लोग ये, पर क्या करें, ठंड को हम ठंड दे रहे हैं इसलिए। अभी देखिए समय करीब 8 बज रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीपी पे तांता देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर वही जोश वही उत्साह देखने को मिल रहा है नए साल का। ये उत्साह बस आज ही है कि पूरे जनवरी? हम तो हमेशा रहते 24 आवर्स, मतलब हमेशा, एनी टाइम, एवरी डे। कुछ लोग आलस से घर में सो रहे होंगे, कह रहे नया साल क्या है, कुछ नहीं है, तो उन जैसे लोगों को क्या मैसेज? मैं तो यही कहूंगी कि लाइफ जो है ना हमारी बस कुछ पल की है, तो यार जो थोड़ी बहुत लाइफ है उसको एंजॉय तो करो, क्योंकि फिर दोबारा तो वो पल वापस नहीं आएगा। अब 2023 तो चला गया, अब वो वापस तो आएगा नहीं ना, तो फिर इस तरीके जो शुरुआत है तो उसको अच्छे से एंजॉय करो। जब आने वाला रहता तो इतनी खुशी क्यों हो जाती है हमारे? यार हम सोचते हैं जब न्यू ईयर आ रहा है ना, तो हम सोचते हैं यार जो हमारे साल जो मतलब खराब गया सके, क्या पता इस साल में कुछ अच्छा दिखने को मिले, घूमने को मिले, अच्छी चीजें हमारे साथ में, जो चीजें बुरी हुई अब क्या पता अच्छी हो। दिल्ली में इतनी सजावट हुई है न्यू ईयर की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत इसको क्रेडिट देती है, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो तो दिल्ली सूना नहीं नजर आता है, ना भीड़ कम नजर आती, ना सजावट। और दिल्ली तो नंबर वन पे है, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारा श्री राम मंदिर अब खुलने वाला है, इसकी वजह से हमें और खुशी है, बहुत खुशी है। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसकी खुशी आप लोगों में बहुत ज्यादा है कि हमारे जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे वो चीज हमारी करीब आ रही है। इस साल में सबसे ज्यादा जो खुशी है वो राम मंदिर को लेके ही है। हाँ। जो श्री राम जी का मंदिर का हम वेट कर रहे थे इतने सालों से, मंदिर का वेट कर रहे थे कि बनेगा, पर हमारी मोदी जी की बहुत बहुत, मतलब मैं तो कहूँगी थैंक यू मोदी जी कि आपने इस चीज को पूरा करा इतने सालों में। न्यू ईयर पे देखिए ये लोग मोदी जी को भी धन्यवाद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है, अभी रात के 8 से 8:30 बज रहे होंगे, लेकिन फिर भी न्यू ईयर पे जो पूरा माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या बोलेंगे आज नए वर्ष का पहला दिन है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, श्री राम जी से जी, कि वो सबको खुश रखे इन नए साल में। अब इसी साल के पहले ही महीने में भगवान श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का दिन है, कितने खुश हैं?
बहुत खुश हूँ मैं तो, ये मेरे जीवन काल में हो रहा है, मेरे लिए इतना बहुत बड़ा दिन है ये तो। कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप खुशी लोगों में हैं, और नए साल का हमने आपको एक कोशिश किया माहौल दिखाने का। आज न्यू ईयर है, क्या बोलोगे आप लोग? आज न्यू ईयर है और हम बहुत खुश हैं। क्यों खुश हो? बस न्यू ईयर है इस वजह से? नहीं नहीं, अब जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है तो अब आगे बहुत कुछ नया करना है। हाँ, और जिंदगी अब 2024 मेरा बेस्ट जाने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीद है। अच्छा, सबको यही उम्मीद है कि आने वाला साल अच्छा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा जाएगा। बहुत सारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? सबको हैप्पी न्यू ईयर, सब लोग खुश रहो, खुशियाँ बांटो। देखिए एक छोटी सी बच्ची और बहुत खुश है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो माहौल आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हालांकि आपने अपने नया साल कैसे मनाया कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइए, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।